बेलपुर रात के 1:30 बजे। और अगर आपकी जिंदगी खराब है तो उसमें भी लगा सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग आपने देखे थे हमारे होम टाउन का, मैं अपने उत्तराखंड जा रहा था, बट इस बार के ब्लॉग थोड़े अलग होने वाले हैं क्योंकि इसका है बर्थडे और हम जा रहे हैं घूमने। हम जा रहे हैं जयपुर, जो कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। तो बस अभी हमारी रात की ट्रेन है, अभी घर से निकलते हैं। आगे का आपको पूरा आइटनरी बताएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे वहाँ जाके, और कौन कौन हमारे साथ, और कैसे कैसे जाएंगे, एक एक चीज़ करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहो, अभी फिलहाल निकलते हैं घर से न्यू दिल्ली की ओर। सो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, बोरीसाद में हमारी ट्रेन। हमने अभी फिलहाल कर रखे हैं जाते वक्त एसी कोच, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके सो जाएंगे रात में। दीदी का बर्थडे है, रात में खाते हैं केक, देन आपको दिखाते हैं। रास्ते में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, वो आप कल रूम पे जाके बताएंगे आराम से। फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, देन दीदी का बर्थडे होगा, रात में केक कट करेंगे, वो दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं फिलहाल रात की 12। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, कौन बोलेगा? गजब बेइज्जती है, बर्थडे है तो थैंक यू नहीं बोलेगी। ये रहा इसका केक, अभी करते हैं केक कटअप। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर हाथी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वही सेव करा है मैंने। फ्रेंड्स, यहाँ अभी फिलहाल खाना पीना चल रहा है। क्या चल रहा है? बिरयानी चल रही है, ये भेलपुरी, भेलपुरी रात के 1:30 बजे। एक पैकेट खत्म, दो पैकेट खत्म हो चुके, तीसरा खुलवाया इन्होंने। ज्यादा ग्लो कर रहे हैं हम। खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, फिलहाल सुबह हो चुकी है। ये रे कुछ बाहर के नज़ारे ऐसे ऐसे हो रखे हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा है। चलेगा, जिंदा लाश बन गई थी यहाँ पे रात में। अभी फिलहाल आने वाला स्टेशन उतरेंगे, फिर चलते हैं अपने होटल की ओर। अभी फिलहाल आने वाला स्टेशन अभी अब फ्रेंड्स फाइनली हम अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पे। ये रहा ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है जयपुर का, वो खड़े होकर उधर सारे। और अभी एक नई चीज़ पता लगी है, हमारा जो होटल रूम था वो कैंसिल हो चुका है। अब दूसरा देख रहे हैं, ये रहे अब दूसरा देख रहे हैं, बताते हैं दूसरा कौन सा करते हैं, कि वो तो कैंसिल हो चुका है। फिलहाल चलते हैं बाहर, दिखाते हैं कौन सा करते हैं, कौन सा करना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं होटल में। ये है कुछ ऐसी होटल की लॉबी, इधर को भी है, और दिखाते हैं आपको अपना रूम। फिलहाल हमारा रूम ऐसा कुछ रूम है, इधर एक डबल बेड है, इधर ही लगा हुआ है टीवी जो कि हमने देखना नहीं है, इधर दूसरा बेडरूम, ये रहा डबल बेड, एसी लगा हुआ है, ये रहा एक और टीवी जो कि हमने यूज़ करना नहीं है। फटाफट नहा देते हैं, फ्री होते हैं, फिर चलेंगे घूमने। तो गाइस, चोरी करने का सामान मिल गया है हमें। ब्रश तो हमारे यूज़ बने हैं, अरे ये तो बैग में रखने हैं, हम तो यूज़ कर लेंगे। ये क्या है इसमें? गवारे हम। ओह, ईयरबड्स किसके कान खराब हैं? और क्या है? 1 रुपए वाला तेल।
एक रुपए वाला सनसिल्क ड्रायर भी है मैं भी फालतू का सामान लेके आया और क्या क्या ये क्या है ये इसे कहते हैं मॉइस्चराइजर और ये माचिस है जिससे आप इमरजेंसी वाले में जिसमें आप आग लगा सकते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब है तो उसमें भी लगा सकते हैं और ये शेविंग किट है ठीक है इस शेविंग किट में एक खासियत है कि कोई भी नहीं यूज़ करने वाला है ये बिगड़ जाएगी मतलब और ये पाउडर जो काम का है और क्या यार ये बिना मतलब के सामान ले रखे अरे एस्ट्रे इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है देखिए ना वेविंग किट ये क्या है जी मोदी जी साड़ी कौन पहन रहा है ना मेरे बटन तो ठीक हैं अभी स्वीगा और क्या है इसमें एक छोटा वाला एक बड़ा वाला साबुन और एक कंघा भी है इससे अपने बाल लहरा सकते इतना ही कुछ था इसमें तुम नहाने चले जाओ बाद में आपसे मिलते हैं हम नहाने धोने जाते हैं बस ब्रो ये सो फ्रेंड्स नाउ वी आर गुड टू गो अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं अभी चलते हैं अब घूमने आपको पहले बाहर दिखाते हैं लॉबी कैसी है हमारी मस्त सी लॉबी है उसमें कुछ आर्ट वर्क भी हो रहे हैं छोटे छोटे तो आपको पहले बाहर चल के वो दिखाते हैं लॉबी ये ऐसी कुछ हमारी लॉबी है ये देखो अब ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी ना आपको ऐसी लॉबी है इसमें ये पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं देखो मस्त मस्त सी ये रे अंकल जी रेडी हो चुके हैं इधर उधर हो रहे पीछे भैया ये इधर दूसरी पेंटिंग और भी ऐसी बनी हुई हैं चलते हैं बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलते हैं बाहर घूमने तेरे बिन सन सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूह नु सकूं सो नाउ फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं हवा महल सबसे पहले हम आ रहे हैं हवा महल आपको एक एक करके बताएंगे जहां भी हम जाएंगे एक करके सारी चीज़ बताएंगे आपको लाइन से कि हम कहां कहां आप लोग जा सकते हो अगर आप भी आते हो तो ये फिलहाल हवा महल इधर से अभी इसकी एंट्री होगी टिकट वगैरह लेंगे आपको टिकट भी बताएंगे कितने की हैं अभी फिलहाल टिकट की ओर जाते हैं और दिखाते हैं आपको सो फ्रेंड्स फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हवा महल के अंदर ये रही इसकी यहां से एंट्रेंस टिकट प्राइस है वैसे नॉर्मल 50 rupees अगर आप स्टूडेंट आईडी दिखाते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप स्टूडेंट आईडी भी दिखा सकते हैं अपनी अभी चलते हैं फिलहाल अंदर अंदर से दिखाते हैं आपको हवा महल कैसा है मज़ेदार सा हवा आ रही है अभी हवा महल में अभी से हवा आने लगी अभी चल सो फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं फिलहाल हम यहाँ ऊपर इधर मम्मी पापा खिंचा रहे हैं फोटो गॉगल्स पहन के मस्त इधर से आपको ऊपर से दिखाते हैं भैया देखो मस्त व्यू है इधर ये और इधर हो रहा है उधर प्रोग्राम अभी उधर जाके भी आपको दिखाते हैं मस्त है अभी यहाँ फिलहाल फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं एक दो इधर आपको भी दिखाते हैं पूरा यहाँ कैसा है और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको तो ब्लॉग देखते रहना पूरा इसका बर्थडे है जैसे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विश कर देना फिर गाइस कोई पैम्परिंग नहीं हो रही है नो फोटो सेशन ओनली इसका फोटो सेशन होता है अभी इसे बर्थडे बॉम्ब मिलेंगे तब पैम्परिंग होगी इसकी अच्छे से ये देखो यहाँ पे नीचे से मस्त सा मतलब एकदम कहते ना एकदम मस्त बना रखा है देखो अंदर अभी देखते हैं और बाकी सामने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त सी अभी हम बाद में वहाँ भी जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट वो सामने जो पहाड़ है आपको दिख रहा होगा छोटा सा वहाँ पे है नाहरगढ़ फोर्ट फिर बाद में वहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको दिखाएंगे फिलहाल अभी यहीं पे घूमते फिरते हैं मज़े करते हैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ यहाँ एक सेल्फी स्पॉट है यहाँ देखो अभी कौन निकल के आएगा यहाँ से बाहर मोंजुलिका ये देखो सारे लगे पड़े हैं फ़ोटो क्लिक कराने पे अभी यहीं घूमते फिरते हैं थोड़ा बहुत ही दिखा पा रहा हूँ आपको क्योंकि हम यहाँ मस्त मौज करने पे लगे हुए हैं तो होप जितना भी आपको दिखा रहा हूँ आपको मज़े आ रहे होंगे ये देखो अभी इसके बाद बताते हैं आपको हम कहाँ जाएंगे
तो उसके बाद का भी आपको आगे दिखाते हैं कहाँ जाएंगे, बाद में बता दें। फिलहाल मैं फ़ोटो क्लिक कराता हूँ पहले जाके। फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं फिलहाल हम हवा महल से, अभी हम लंच का देख रहे हैं कि लंच का वहाँ डिस्कशन चल रहा है कहाँ खाना है करके। सामने एक वहाँ है तो, बट अभी देखते हैं फिर बताते हैं आपको कहाँ खाएंगे। क्या मजा क्या आता है अपनी बॉडी को फटीक में डाल के। अरे चलो।